बोले सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फियरलेस किस तरह की फिल्म होने वाली है और क्या कुछ होगा इसमें. सो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने फिल्म देखी जी. एक मतलब ये 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म है एंड उसके अंदर भी एक थ्रिलर है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू अ गुड थ्रिलर एंड इन शॉर्ट ड्यूरेशन टू मेक दैट काइंड ऑफ मोमेंटम. तो काफ़ी अच्छी वेल मेड फिल्म है एंड यू नो द क्रेडिट गोज़ टू द फिल्म मेकर्स द डायरेक्टर द राइटर एंड एक्टर्स. या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा शॉर्ट फिल्म की बात करें तो शॉर्ट फिल्म बनाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी कम समय में बहुत कुछ दिखाना होता है और इक्विपमेंट्स भी काफ़ी कम ही होते हैं. तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप क्योंकि जो स्कोप भी है काफ़ी कम है शॉर्ट फिल्म्स का. शॉर्ट फिल्म एक काफ़ी अच्छा जरिया होता है टू टेस्ट आउट स्टोरी टेलिंग राइट एंड फॉर फिल्म मेकर्स टू डू इट. हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं एंड इन फैक्ट इट इज़ येस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से द स्टोरी इन द लेसर पीरियड ऑफ टाइम. आपको वैसे ही कहानियाँ चुननी पड़ती हैं या कुछ सीन वैसे स्ट्रक्चर करने पड़ते हैं. सो बट शॉर्ट फिल्म का एक अपना मज़ा है एंड अब जहाँ इतना डिजिटल बूम है तो शॉर्ट फिल्म आप फ़ोन पर देख सकते हैं, आप कहीं माध्यम में देख सकते हैं. तो शॉर्ट फिल्म का एक अपना ऑडियंस है और अपना मज़ा है. अच्छा इस फिल्म की बात करें तो क्या कुछ कहानी होगी फियरलेस की? जैसा नेम सजेस्ट करता है इट इज़ दैट एंड इट इज़ अ थ्रिलर. सो मैं चाहूँगी कि लोग देखें और 13 minutes they'll enjoy seeing it. Okay, अभिनेताओं की एक्टिंग कैसी लगी आपको? जो एक्टर्स हैं फिल्म में उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? और सब लोग आई मीन शांति प्रमोद एंड अभिषेक ऑल ऑफ देम आर फैबुलस एंड दे पुल ऑफ द टेंशन इन द सीन. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स? मसान रिलीज हो रही है जी 24 जुलाई को और मसान के साथ साथ हमारी जो अगली फिल्म है जुबान उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और फिर जुबान रिलीज होगी. तो अभी तो उसी में बहुत बिजी हैं. अच्छा मसान की बात करें तो कहीं ना कहीं वो रीच पाली है मसान ने तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ट्रेलर जो काफ़ी पसंद आ रहा है तो उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है आपको ऑडियंस से? मसान कैन में बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट हुई थी तो उम्मीद तो यही है कि इंडियन ऑडियंस को भी उतनी पसंद आएगी और उतना वो लोग पसंद करेंगे जैसे उन्होंने पहले हमारी फिल्मों को बहुत सपोर्ट किया. मैं बहुत खुश हूँ कि उनको ट्रेलर पसंद है एंड या फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 24 जुलाई. ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. सबसे पहले तो उस मूवी सबको काफ़ी पसंद आई है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको फिल्म को लेकर? थैंक यू यार. आई थिंक वन सेकंड श्योर. सो थैंक यू फॉर दैट. लेकिन यही सबसे बड़ी चीज़ है बिकॉज काफ़ी लोग इस फिल्म से रिलेट कर रहे हैं. कल मुझे ट्विटर पे किसी ने ये भी मैसेज किया कि अपने अपने इंसिडेंट्स की जब भी ये फिल्म लोग देख रहे हैं ऐसे वाकई लाइफ में जो यू नो इस तरह के होते हैं. सो दे आर कनेक्टिंग टू इट और बहुत अच्छा लग रहा है दैट वी कुड रीच द हार्ट ऑफ द पीपल. लोगों की भावनाओं को हम समझ पाए. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ब्रिंग आउट कॉन्सेप्ट्स लाइक दिस. जी बॉलीवुड में कभी हम आपको देख पाएंगे ऐसे फुल फ्लेज रोल में? या काम तो सब करना चाहते हैं. मैं भी बहुत यू नो डेस्परेशन से करना चाहता हूँ एंड कर ही रहा हूँ. लेकिन अभी मैं एक यू नो चीज़ पर निकला हूँ कि तब तक मैंने एक जिम्मा लिया है ऑफ डूइंग 47 शॉर्ट फिल्म्स और मुझ जैसे लोग जो टैलेंटेड भी है और साथ में जो काम सच में करना चाहते हैं हम सारे मिलकर एक के बाद एक कहानियाँ कर रहे हैं, लिखी जा रही हैं, डायरेक्ट हो रही हैं. अभी हमारा एक अगला प्रोजेक्ट भी ऑन बोर्ड ऑलरेडी रेडी है. जी वो
अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होगी वो? मैं आपको 2 महीने में पूरी फिल्म दिखाऊंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ उसका टाइटल है पिंजरा, और ये एक 6 लड़कियों की कहानी है, बस मैं उतना कहना चाहूँगा। एंड इट हैज़ गॉट सम फेसेस जो आप लोग अभी इंटरनेट पे और यू नो एड्स एड वर्ल्ड में काफ़ी देख चुके हैं, उस तरह के फेसेस हैं, बहुत फेमिलियर फेसेस हैं, एंड कुछ तो आज इस फिल्म के दौरान भी मौजूद हैं। सो दैट्स अबाउट इट, बट ये शो हमारा फियरलेस के लिए है। एंड मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कैसे कनेक्ट करते हो, क्योंकि हम सारे मर्द हम ये चीज़ से रोज़ाना गुजरते हैं, क्योंकि आजकल जहाँ पर भी हम जाते हैं, बीट अ शॉपिंग मॉल, बीट अ थिएटर, कहीं पर भी जाओ, सबसे पहले चेकिंग होती है। सबसे पहले हमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि यार डाउट करो सामने वाले ह्यूमन बीइंग पर, इंसान पर, कि जज करो कि वो कैसा है, कैसा होगा, क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। कभी हम ये नहीं सोचते कि यार अच्छा भी हो सकता है, यार एक इंसान है, यार फेलो ह्यूमन बीइंग है, अच्छा भी हो सकता है। सो जस्ट दैट फीलिंग यार। तो फिल्म शुरू होती है विथ एन आइडिया ऑफ शी बीइंग फियरलेस, और ख़त्म होती है विद द होल थॉट की फियर लेस, कम डरो, दैट्स द होल आइडिया। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस थॉट। Hi, I'm Nishanti. I'm the writer and director of the short film Fearless. फियरलेस की बात करें तो कितना मुश्किल था ये फिल्म बनाना? आपके ट्रू लाइफ पर इंसिडेंट है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ट्रू लाइफ when it comes to like being real life incident, it's something every girl faces these days, especially with all the rapes and everything happening. Everyone's really afraid. Bahar jayenge to kuch na kuch dar hoga ki like you know is he really trying to help you? Or to we are all becoming very cynical and skeptical. We don't know who to trust, who not to trust, and you know there are nice people out there also. So this incident actually happened with me a few years back when I was in college, and at that point of time it kind of shook my sensibilities a little bit. Like, you know, I thought I was a very broad-minded, very sensitive person, and then when something happened like this, I realized that I'm just like any other person, judging, very judgmental, and you know, being, you know, quick to stereotype someone as some, you know, good, bad or whatever in your head. So that was important to tell the story, because these days it's important to remember the human side of things, you know, like it's not just about you know, you have to recognize who is good, who is not. It's very important. अच्छा, अगर बात करें शॉर्ट फिल्म्स की, तो शॉर्ट फिल्म बनाने काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कम समय में सब कुछ दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए कितनी मेहनत की आपने इस शॉर्ट फिल्म को बताने के लिए, और स्टार कास्ट किस तरह से फाइनलाइज हुई इसके लिए? तो एक्चुअली प्रमोद एंड आई आर फ्रेंड्स फ्रॉम बिफोर, वी बोथ आर फ्रेंड्स फ्रॉम हैदराबाद, एंड वी बोथ मूव टू बॉम्बे टू लाइक इन सर्च ऑफ ग्रीनर पास्चर्स, आई गेस वी वॉन्टेड टू डू गुड फिल्म. सो प्रमोद एंड आई वर गोइंग टू डू अ प्ले, एंड देन आई टोल्ड हिम लुक, वी बोथ नीड शो रील्स, you as an actor and I as a director. So why don't we do something? And we were just talking about this little idea, and we decided why don't we do this as a short film. And honestly, aap jo kaha, that's actually true, because short films mein itna budgets nahi hote hai, and itna support nahi hoti hai usually. But Pramod was very supportive. Like, you know, for example, the interior, for usually short films mein itna nahi budget hoga ki like ek complete set construct kar sakte hain. तो बाहर किसी शॉप में जाके वहाँ पे कैमरास लगा के करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इतना अच्छा आउटपुट नहीं आता है. लाइक अभी एक एंगल से लेना है तो कैमरा लेंसेज वो सब कुछ लाइक डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसलिए वी कंस्ट्रक्टेड द होल इंटीरियर पार्ट ऑफ इट, यू नो, एंड इट टेक्स मनी, यू नो, इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू इट एंड टू डू दैट. एंड प्रमोद वॉज वेरी सपोर्टिव. And also to complete a film on time, you need the money flowing regularly, and you know, and all that was done without even us feeling, you know, like you know, we have to put in an effort. So that was kudos to Pramod, because he's been very, very supportive. And the best part about it is he never once asked me
how the film is going on during the editing table. Usually producers go, like, he's taking a risk, a big risk on me as a first-time director. He's not seen too much of work that I've done. So for him to have a complete faith on me is really great because, you know, till the end of the film, he let me do the film the way I wanted it. And that's the greatest part of it. You know, like, he's an actor in this film also. There's always that fear that how is the film coming out, you know? So he never once asked me. That's a lot of freedom. And I think I'm really lucky to have this opportunity. And he brought in all the team together. He brought in Shanti. Shanti is a brilliant actress. You've seen her. And right. He brought in Rajesh. He brought in Tanuj and Santa, who worked and helped me. Like, you know, everyone contributed so much to the film, you know? And Arijit did a great score for the film. So yeah, like, the whole point is he brought in this great team together. Everyone put in so much, and that's not something short films actually have. Yeah. Any upcoming projects you want to share? I'm actually doing another short film also. It's a silly comedy, but I'm also in the process of writing screenplays. I want to get into feature films, so hopefully that should be the next step. Okay, all the best. Thank you. Thank you.